अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस शान का शजरा है मखदूम की छौछा का, हसनैन का रिश्ता है मखदूम की छौछा का, और भर देते हैं झोली को बिन मांगे ज़माने की, अंदाज कुछ ऐसा है मखदूम की छौछा का। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नूर ईमान में आपका हम खैर मकदम करते हैं। आज आप सिरतुल मुस्तकीम सोसाइटी की जानिब से पुंबलों की सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी मस्जिद में अकीदत व मोहब्बत के साथ मुनक़िदा उर्से हज़रत गौसुल आलम महबूब सुबहानी महबूब यजदानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तकरीब सईद में मुख्तलिफ़ उलूमा व आइम्मा की शिरकत के अलावा मेहमानान ख़ास मुफ्ती मोहम्मद अली दामद बरकतुमालिया और मौलाना आदम सऊदिया दामद बरकतुमालिया की शिरकत रही। बाज़ाब्ता मजलिस सईद का आगाज़ कलाम पाक की जनायत मुबारक की तिलावत से किया गया। इफ्तिखार तिलावत हासिल किए हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अकील अशरफी ने बग़ौर अदब समात करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
يوم الدين. ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ناظرین، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں فرمان خداوندی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس پاک کتاب میں کوئی شک نہیں۔ رب کائنات ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پروگرام کو جائے رکھتے ہوئے جناب کنہائی صاحب نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تیرے نام، تیرے نام چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو، تو ہی ہو لے کلی کلی، ہے کریم تو ہے رحیم تو ہے
करीम तू है रहीम तू अल्लाह जल जलालहू अल्लाह जल जलालहू तेरी शान हम मनवाल हूँ अल्लाह जल जलालहू अल्लाह जल जलालहू तेरा डाली डाली में वस्फ है तेरा डाली डाली में वस्फ है तेरी पत्ते पत्ते में हमद है तेरी पत्ते पत्ते में हमद है तेरा ऊंचे ऊंचे में रंग बू अल्लाह जल जलालहु अल्लाह जल जलालहू तेरी शान हम मनवाल हूँ अल्लाह जल जलालहू अल्लाह जल जलालहू तेरा जलवा दोनों जहाँ में है तेरा जलवा दोनों जहाँ में है तेरा नूर कौनों मकाम में है तेरा नूर कौन मकाम में है यहाँ तू ही तू वहाँ तू यहाँ तू वहाँ तू जल जलालहू अल्लाह जल जलालहू तेरी शान हम मनवाल हूँ अल्लाह जल जलालहू अल्लाह जल जलालहू आज ले उनकी पना सदके में आका सारे जहाँ
नाज़रीन, इस वक्त आप पोंबलों की अब्दुल क़ादिर जिनानी मस्जिद में अक़दत मोहब्बत के साथ मुनाक़िदा और से अशरफ़ी जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। महफ़िल पुरनूर की निज़ामत इमाम नज़ीर हुसैन सूफ़ी दामत बरकत मालिया ने बखूबी संभाली। बिलाशुबा नाज़रीन, अल्लाह वालों का फैज़ आम है, उनकी सोहबत और इनका क़ुर्ब हासिल करना बिलयक़ीन बाइस एज़ाज़, बाइस फ़ख्र और बाईस निजात है। करी अब्दुल माजिद अत्तारी दामद बरकत मालिया ने एक वलिया हज़रत राबिया बसरिया रदिल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़े के हवाले से गुफ्तगू की। अल्लाह वालों की शान देखें कि अल्लाह तबारक व ताला के वलियों का मकाम ये है कि अगर जिस ज़मीन के ख़त्ते पर अल्लाह का वली अपना कदम रख दे, दूसरी ज़मीन के ख़त्ते उस ज़मीन पर जो हैं हसरत करने लगते हैं कि ये ज़मीन का वो ख़त्ता है, सबूत लातिया ली गए सब वाले अला कि अल्लाह तबारक व ताला सो एन वली के कदम इस जगह पर पड़ गए हैं। अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों का मकाम बड़ा बुलंद है। देख लीजिए, यहाँ हज़रत सैयद मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला का ज़िक्र खैर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा हैं, एक रौनक है। जब जिक्र का ये आलम है तो ज़ाते मखदूम अशरफ समनानी का आलम क्या होगा। अल्लाह वालों का फैज़, अल्लाह वालों का कुर्ब, अल्लाह वालों की सोबत, ये सब हमारे लिए बाई से बरकत व रहमत है। दुनिया में भी इसकी बरकतें हैं, आखिरत में भी इसकी बरकतें हैं। हज़रत सैयदतुना राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा एन अल्लाह सो वलिया एन फा इलिसोलाकास एन वुलिया गौंत्रे वुलिया गेत कुदे द्वात कुदे गुश इसी पौला ओ कैन की सोजली पतुवे के लिए पौलिया ले कुछ नहीं मिला पेना नौई है अपोद जीत जीस एन लोटा एन बोक के लीजिए जिससे वुजू करते हैं। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने इरशाद फरमाया कि तू चोर है, कुछ लेकर जा। तो विन इसी को कैंग की सोच बिजे पॉइंट की सोच तो प्याले सी तो इन माले वुलिया लिदन गए पोस के मुँह कट कोटे मुँह फिनी गए थे पेना नौये कि सोच मुँह पोमो पाले ला। आपने फरमाया कि खाली हाथ तो दू जा नहीं सकता, यहाँ से लामे विद नहीं जाएगा। आपने फरमाया इस लोटे से वुजू कर, फिर वुजू और आलता सा लासाम ला लिया दे रकत नमाज। उसने वुजू किया, कमरे में गया, दो रकत नमाज नफिल जब पढ़ी तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई। बोले ऐसा कौन है? चोर। कौन है? कौन है? चोर। क्या करने आया? चोरी। अब हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने जब फरमाया, उसने दो नफिल पढ़े रकत, उसके दिल की दुनिया बदली, नमाज में ऐसा मज़ा आया, ऐसा सुरूर आया कि लिया सहरी तक अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इबादत करता रहा। यानी नमाज पढ़ता रहा, नफिल पढ़ता रहा,
जिसका फिनी आखिर लिया सहरी, सहरी के वक्त हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने उसको सजदे की हालत में देखा, गेट किलीदा सजदा। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथों को उठाए और दुआ की, ए अल्लाह लीची विन कुतमुआ, दीपान गई नोई है, पेना नोई है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, मैंने इसे तेरी बारगाह में भेज दिया। मेरे पास आया था, कुछ नहीं मिला, मैंने तेरी बारगाह में भेज दिया, ए अल्लाह इसे खाली हाथ ना लौटाना। लिया सहरी, आपने उससे पूछा कि भाई रात कैसी गुजरी, कुमा ची पास लानवित ला, वो बोलता है कि जैसी लानवित ये ची पासे जामे पाची पासे लानवित कुमसा मुलावी, नहीं गुजरी। कहा मैंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया और उसने मुझे कबूल कर लिया। वो चेहरा उदास, सर्द चेहरा लिए चला गया। राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा अल्लाह की बारगाह में दोबारा दुआ करती हैं, ओ अल्लाह इस बंदे ने कुछ देर तेरी बारगाह में खड़ा हुआ, तूने इसे कबूल कर लिया, मैं तो न जाने कितने अरसे से तेरी बारगाह में हूँ, क्या तूने मुझे कबूल कर लिया। आपने अपने दिल के कानों से एक आवाज़ सुनी, तन लवा, ए राबिया बसरिया इसे हमने तेरी वजह से ही कबूल किया है। अल्लाह के वलियों के सदके, अल्लाह के नेक बंदों के सदके, चोर भी उनकी सोहबत पाले तो अल्लाह तबारक व ताला उसे कबूल फरमा लेता है, उसे अपना बना लेता है, उसे तौबा की तौफीक मिल जाती है, उसे अच्छी सोहबत मिल जाती है, उसकी दुनिया बदल जाती है, और जब दुनिया बदल जाती है साथ साथ आखिरत बदल जाती है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अल्लाह के वली हैं कि जिन्होंने कैजों की लाज में, 15 साल की उम्र थी जब आपने तख्त पर बैठे, आप लिगवा बन गए थे, जिसो पापा इंतकाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको तख्त मिला, बादशाहत मिली, आपको ताज पोशी कर दी गई, कैजों की लाज 10 साल आपने तख्त पर बैठे रहे, यानी बादशाहत की, फिर अल्लाह की रिजा के लिए बादशाहत को छोड़ा। इस 10 साल बादशाहत में और उसके बाद भी कोई ऐसा फर्ज नहीं है, कोई ऐसा वाजिब नहीं है कि जो मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने छोड़ा हो, बादशाहत करते हुए भी और बादशाहत के बाद भी। फिर अल्लाह वालों ने जब अल्लाह तबारक व ताला की खातिर दुनिया को छोड़ा, दुनिया की मसनत, दुनिया की बादशाहत को छोड़ा, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बेताज बादशाहत अता फरमाई, आज तक क्या कयामत तक के मुसलमानों में आपके दिल, उनके दिलों में उनकी बादशाहत मौजूद है। और अल्लाह वालों की शान ये है कि अगर अल्लाह वाले किसी के लिए कुछ कह दें, किसी के लिए कुछ दुआ कर दें, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको भी कबूल फरमाता है। मैंने कुरान मजीद की जो आयत करीमा पढ़ी, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहुमुल मुफ्लिहून, कि यही अल्लाह की जमात हैं, सुनता है, यही अल्लाह की जमात जो कामयाब हैं, जो कामयाब हैं, ये अल्लाह की जमात वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। याद रखना, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और जब किसी पर करम हो जाए तो बेड़ा पार भी हो जाता है। मुख्तसर वक्त है, मैं एक और हज़रत सैयद मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक वाकया अर्ज़ कर देता हूँ आपकी करामत बरकत के लिए, कि आपका उर्स शरीफ है, सुनिए और ईमानदाज़ा कीजिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी दामत बरकातुहु अलालिया ने अपनी तसनीफ़ 100 तौत 130 हुज्जाजे किराम की हिकायतों पर किताब में ये वाकया नकल किया है। द लैंड के अंदर हिंद में एक घास काटने वाला था, एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा साहब, नौज़ुल हिज्जतुल हराम, वो अपने खेत में काम कर रहा है। एनकुतली पहुँचे, आज नौज़ुल हिज्जतुल हराम है, आज हुज्जाजे कराम हाजी लोग मैदान अरफात में होंगे, हज अदा हो रहा है, हज का दिन है, काश मैं भी हज के लिए जाता, काश मैं भी मक्का देखता, काश मैं भी मदीना देखता।
अफसोस कि मैं यहाँ हूँ। अपने दिल से एक दर्द की आह उसके दिल से निकली। करीबी सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ फरमा थे, उसके दिल का हाल जाना ये अल्लाह वालों की शान है। ऐसा उस पर करम किया अपने करीब बुलाया। बिनला वो बुज़ुर्ग साहब तशरीफ़ ले आए करीब, फिर कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ से इशारा किया। जैसे ही उस बूढ़े साहब ने हाथ के इशारे की तरफ अपना रुख किया, क्या देखता है कि मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में खाने काबा के सामने खड़ा हुआ है। खुशी खुशी तवाफ करता है, अरकान हज अदा करता है। अरकान हज अदा करने के बाद मैदान अरफात में मुज़दलिफा सब कुछ अरकान हज अदा करने के बाद तैयार खड़ा है कि अब मैं घर कैसे जाऊँगा। कुमकुत लिगत हज़रत सैयद मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला ज़ियारत होती है दोबारा। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला हाथ का इशारा करते हैं। जैसे ही हाथ के इशारे की तरफ जाता है, अपने आप को अपने घर हिंद में लैंड में पाता है। ये अल्लाह वालों की शान है, पल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग भी यहाँ जमा हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बरकतों से मुतमत्ते फ़रमाए, हम सब का यहाँ आना कबूल फ़रमाए, कारी साहब की इस महफिल को सजाना कबूल फ़रमाए, और जो जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें आए हैं अल्लाह ताला आज की इस महफिल के सदक़े हम तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। वाखिर दावान अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मझधार में हूँ आका लिल्लाह मेरी कश्ती मझधार में हूँ आका लिल्लाह मेरी कश्ती अब पार लगा दे अब पार लगा देना ऐ अशरफ सिमनाने पर्दे को उठा देना ऐ अशरफ सिमनाने जलवा भी दिखा देना जलवा भी दिखा देना अशरफ सिमनाने। अल्लाह वालों की यहाँ जो चीज़ आम है और जिस चीज़ पर वो ज़्यादा तवज्जो देते वो है मोहब्बत। मुफ्ती मोहम्मद अली दामद बरकतुल्लाह ने औलिया के यहाँ मोहब्बत के हवाले से ये दिलचस्प बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह कि वो लोग जो मोमिन हैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। मोमिन रब तबारक व तआला से बड़ी मोहब्बत करता है। दुनिया में इंसानों ने अपनी अपनी मसरूफियात और अपने अपने मशागिल अपने अपने मिजाज और अपनी अपनी पसंद रखी है। बादशाहों को देखिए तो उनके आमाल से यूँ लगता है कि ये सारी दुनिया जैसे बादशाहत करने के लिए ही बनाई गई हो, इस दुनिया में उन्हें बादशाहत करने के लिए ही भेजा गया हो। अमीरों को देखिए तो वो इमारत की इतनी धुन में है लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ अमीर बनने के लिए ही आए हैं। अगर आप डॉक्टरों को देखिए तो यूँ लगता है जैसे दुनिया में सबसे बड़ा काम मरीज़ों का इलाज करना ही है। इंजीनियरों को देखिए तो यूँ लगता है जैसे ये सारी दुनिया दारुल इमारत है और यहाँ इमारत बनाने का ही काम है, इसीलिए हमें भेजा गया है। मुदर्रिसीन के कामों को उनकी मसरूफियात को देखिए तो लगता है सारी दुनिया दरसगाह है, सबके अपने अपने मुआमलात हैं। लेकिन इसी ज़मीन पर अगर अल्लाह के नेक बंदों और औलियाए किराम को आप देखेंगे तो लगेगा कि ये सारी दुनिया मोहब्बत के लिए बनाई गई है और इस दुनिया में हमें मोहब्बत हकीकी के लिए भेजा गया है, सच्ची और अच्छी मोहब्बत के लिए भेजा गया है। इसी मोहब्बत की वजह से औलियाए किराम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जब मोहब्बत के नजराने पेश करते हैं तो वो बेमिसाल कुर्बानियां रब की बारगाह में गुजारते हैं, जिनमें से एक नाम हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है कि जिनके दिल में जब मोहब्बत इलाही ने जोश मारा तो फिर इस दुनिया की सरदारी क्या, सरवरी क्या, आयश तनाउम क्या, मौज मस्ती क्या, बादशाहत को भी मोहब्बत इलाही पर कुर्बान फरमा दिया। आज से तकरीबन 700 साल पहले खुरासान में एक हुकूमत हुआ करती थी जिसके अजीम शान सुल्तान और बादशाह इब्राहीम नाम के एक सैयद हुआ करते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने बेहिसाब दौलत से नवाजा और बड़ी अजीम शान सल्तनत व हुकूमत अता फरमाई। वो हुकूमत
जिसके अंदर शरीयत को और दीनदारी और इस्लाम को बालादस्ती हासिल थी। वहां दीनदारी का दौर दौरा था, वहां हुकूमत दुनियादारी के लिए नहीं थी, बल्कि दीन के क़याम व इस्तेहकाम के लिए वो हुकूमत चल रही थी। अल्लाह ताला ने तरह तरह के खजाने, ऐश और हर तरह की दौलतों और नेमतों से नवाजा था, मगर इस घर में एक बेटा नहीं था। हजरते सुल्तान इब्राहिम एक बेटे के लिए तरसते थे, उनकी बेगम एक बेटे के लिए रब की बारगाह में दुआएं किया करती थीं। एक दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते करते सजदे में पड़ी पड़ी सो गईं। ख्वाब देखती हैं, अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और फिर ये हुआ कि रब तबारक व ताला ने इस कबूलियत दुआ की बशारत इस तौर पर जाहिर फरमाई कि ये दोनों के दोनों, बेगम सुल्तान और सुल्तान इब्राहिम, अपनी शाही मसनत पर अपने किले और महल में तशरीफ फरमा थे। अचानक किले में एक बुजुर्ग नमूदार हुए, एक अल्लाह वाले, एक हकीकी मोहब्बत वाले, दुनिया के गमों को दूर करने वाले, फरियादियों की फरियादें सुनने वाले। औलिया किराम वो अजीम हस्तियां होती हैं कि जिनका ताल्लुक एक तरफ रब से लेने के लिए होता है और मखलूक से मखलूक को देने के लिए होता है। ये बुजुर्ग भी इसी जज्बे के तहत तशरीफ लाए थे। आपको जब महल के अंदर देखा, हालांकि महल के अंदर आना कोई आसान नहीं होता, लेकिन इन बुजुर्गों को देखा गया कि रास्ते से नहीं, दरवाजे से नहीं, खुदा जाने कहां से नमूदार हो गए। क्योंकि इन अल्लाह वालों के लिए वहां भी रास्ते होते हैं जहां दुनिया वालों के लिए रास्ते बंद हुआ करते हैं। बादशाह और उनकी बेगम दोनों के दोनों बाअदब खड़े हो गए और अल्लाह के वली मजजूब इब्राहिम को मसनत पर बैठाया, अदब के साथ खड़े हैं। हजरते मजजूब इब्राहिम ने फरमाया, सुल्तान इब्राहिम, तुम एक बेटे की तमन्ना करते हो ना? इतनी बात जब सुनी तो मियां बीवी दोनों के दिल बाग बाग हो गए। ये तो दिल की दीरीना और पुरानी तमन्ना थी। दोनों के दोनों कहने लगे, आप अल्लाह वाले हैं, आप बुजुर्ग हैं, खुदा रसीदा हैं, तमन्ना को हमारी जानते हैं, तो आपसे यह भी इल्तिजा है कि दुआ कर दीजिए। बुजुर्ग ने फरमाया, हम दुआ करते हैं और साथ ही साथ तुम्हें बशारत भी देते हैं, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें दो बेटे अता फरमाएगा। एक का नाम अशरफ रखना, दूसरे का नाम आरफ रखना। कुछ रिवायतों में मोहम्मद भी बताया गया। कुछ दिन गुजरे, 3 महीने के बाद फिर एक बुजुर्ग नमूदार हुए, जबकि उनसे पहले यही सुल्तान इब्राहिम बादशाह वक्त अपने महल में तशरीफ फरमा थे, सो रहे थे। ख्वाब देखते हैं, किस्मत बेदार होती है, सारी कायनात के सरदार, अल्लाह के महबूब, गरीबों के फरियाद रस, मुसीबतों के मुश्किल कुशा हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें दो बेटे अता फरमाएगा, जिनमें से एक बेटे का नाम अशरफ रखना और दूसरे का मोहम्मद रखना। अशरफ जो होगा वो वक्त का अजीम शान वली होगा, तुम उसकी अच्छी तरह से तालीम और तरबियत का इंतजाम करना। अल्लाहु अकबर। ये है हमारे मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की पैदाइश का मामला कि अभी आप तशरीफ नहीं लाए हैं, जिस घर में आपको तशरीफ लाना है उस घर में अल्लाह के वलियों की चहल पहल शुरू हो गई है। जिस घर में आपको तशरीफ लाना है, आपके आने से पहले कायनात का हबीब वहां तशरीफ ले आया है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस महल को अपने कदमों से मुनव्वर और मुअत्तर फरमा दिया है।
हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश से फिर कुछ दिनों पहले शहर के अंदर एक आवाज़ सुनी गई, एक सदा सुनी गई। आवाज लग रही थी बादब बामुलाहदा होशियार, मखदूम अशरफ मखदूम जहांगीर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। इस तरह की आवाजें लग रही थी रात के सन्नाटे में, अंधेरे और तारीकी में शहर के अंदर इस तरह की आवाज बड़ी अजनबी थी, इसलिए कि शहर के तमाम दरवाजे बंद थे, मुकफल थे और फसीलों पर सिपाही पहरे दे रहे थे। तो फिर ये दुर्वेश ये दीवाना शहर के अंदर कहाँ से आ गया? सिपाहियों ने देखा हैरत में पड़ गए, दरवाजे बंद हैं तो ये कहाँ से आ गया? आखिरकार इसकी आवाज़ बुलंद से बुलंद होती चली जा रही थी और शहर के दीवारों और कोनों से गूंज रही थी, टकरा रही थी। कुछ देर के बाद में ये आवाज़ खामोश हुई और चंद ही दिनों के बाद हजरत मखदूम अशरफ दुनिया में तशरीफ ले आए। यह आपकी पैदाइश के अजीम हालात हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने महबूबीन को दुनिया में भेजता है तो जरा गौर कीजिए कैसे कैसे एहतमामात अता फरमाता है, कैसे कैसे इंतजामात फरमाता है। यही मखदूम अशरफ हैं जिनकी सिर्फ एक करामत में आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा, क्योंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है। वैसे तो दीन के लिए आपकी बहुत कुर्बानियां हैं और पूरी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए ही आपने वक्फ कर दी, इसीलिए आपने हुकूमत व बादशाह छोड़ी, किले और महल को छोड़ा, दुनियावी ऐशो आराम को छोड़ा, बेमिसाल कुर्बानी दी। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला ने इसी जज्बे के तहत अपने मुल्क से ईरान से खुरासान से, जो ईरान का एक इलाका था है आज भी, वहाँ से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अपने पीर की बारगाह में हाजिर होकर दीन की नेमतों से मालामाल हुए। एक बार आप सफर में थे और चलते चलते आप बनारस पहुँचे। बनारस एक शहर है उत्तर प्रदेश यूपी का, हिंदुस्तान में। वहाँ पहुँचे, सामने एक बहुत बड़ा इबादत खाना था, उसमें बहुत सारे माबूद रखे हुए थे, उनकी इबादत जोर शोर पर थी। आप जब वहाँ तशरीफ ले गए तो आपको लोगों ने देखा ये कोई अजनबी इंसान है, ये हमारे कुमाश का नहीं, हमारे मिजाज का नहीं, हमारे लिबास का नहीं, हमारी वजाकता का नहीं। वो लोग पूछने लगे तुम किसकी पूजा करते हो? आपने फरमाया मैं एक खुदा की इबादत करता हूँ। लोग कहने लगे हम तो इनकी इबादत करते हैं, क्या हमारे ये खुदा अच्छे नहीं है? क्या ये हक पर नहीं है? अगर ये हक पर नहीं है और तुम्हारा खुदा हक पर है तो इसकी कोई दलील दे सकोगे? हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया इसकी दलील मुझसे क्या मांगते हो, इसकी दलील तो इन्हीं में से कोई दे देगा। आपने जो इशारा फरमाया वो माबूदों की लाइन लगी हुई थी एक बहुत बड़ी इमारत के अंदर, शायद आप बात को समझ रहे होंगे। उनमें से एक बड़े माबूद की तरफ आपने इशारा फरमाया, उसने अपना मुंह खोला और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिया। आपने फरमाया जरा सुनो, तुम जिल की इबादत कर रहे हो वो सच्चे खुदा का कलमा पढ़ रहे हैं, वही मेरा खुदा है। इतना देखा था कि वो जितने इबादत गुजार थे, जितने पुजारी थे, सब के सब आपके कदमों पर नुछावर हो गए और कलमे तौहीद पढ़ के सब दामने इस्लाम से वाबस्ता हो गए। ये अल्लाह वाले हैं कि पत्थरों को इशारा कर दें तो वो इंसानों की बोलियां बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हम इंसान होकर उनसे मोहब्बत करें, हम इंसान होकर उनकी फरमा बरदारी करें तो क्यों ना रब्बे जलील हमें अजीम मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे करीम हमें बुजुर्गान दीन खुसूसन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन भमारीना इल्लल बला। करो मुझे पर मेहरबानी मेरे मखदूम सिमनानी।
زمانے اب شعر سنیں توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا ننوینی پولا میم ننوینی پوسا میم نگائیں توجہ نگائیں کرم ایک اللہ سو ولی سو توجہ سو کرم اگائیے سبحان اللہ کی آگی وے سنیں ہم تو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں جب جانوروں پر بھی یہ نظر پڑ جاتی ہے نا تو ان کا بھی کیا عالم ہوتا ہے سنیے گا توجہ کی نظر پڑ جائے تیرے گھر میرے آقا کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم سمنانی کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم سمنانی چلیں یہ سن لیں کہ یہ بلی بھی مہمانی کیسے کرتی ہے کما کما کا با واغیب سا کی چی فنا غیب ہے کی واقعہ سا دہی ایسا کوپ لیلا سبحان اللہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ دانسو دربار اینڈ شات اینڈ بلی لی چابی چی بینی حضرت سو نظر کرم سبحان اللہ حضرت سو توجہ لی فنگ یہی لی کہاں حضرت سو توجہ سا سات سا بلی لی فنگ یہی ہیں سبحان اللہ گیت سو لسپری سو کون پھان کی اللہ تبارک و تعالی فن دن لی چی اینا لوڈ پسو کوئی زینی ہے کہ نیا پوچھ کان تو اینا پو کوئی موزے تو ایکوت سا شالا کون چیتے لی فیا میاؤں سا کون چیتے جیمون لامیم تو بزن کوئی موزے بزرد سی لی فیا سینک فوا میاؤں تو بزن کوئی سینک جیمون زو موزے سی لی فیا جیس فوا میاؤں تو بزن کوئی جیس جیمون زو موزے سبحان اللہ یہ اللہ سو ولی سو بلی کئی عالم ہے ہوا کیا این فوا بلی انوینی شاد انوینی لن فیا سینک فوا میاؤں کوئی جنے فن کوئی سینک جیمون زو موزے Quand on arrive à manger, il trouve 6 jimoun. Combien jimoun? 6 jimoun. Cuisine fin linda barga, Huzur Makhdoum Sinnani Rahmatullah al-Hazrat, Azoji, Bilila fin hiya igre Azoji. L'in fait 5 fois, ben vini 6 jimoun. Hazrat fin jiya, li babu fait igre li. Amen Bilila, Amen Shala. Quand fin Amen Shala, devant sa 6 jimoun se kichi pe assise, fin log sa kut sa 6 jimoun la, Sa billi sa cha, l'in commence senti en par ren, tous les six jimoun se kiti assise. L'in senti premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, quand fin arrive le sixième, l'in rentre dans sa personne là, se godi, et l'in fait pipi loli. Absolue heran, y'a kya oua. Sa personne se ki sixième là, l'in levé, l'in fini sorti depuis dans sa mahfil là. Quand fin fait recherche, fin connaît ki sa sixième là, li ti déguisé li ti vin musulman li ti vini en vérité li ti un athéiste li quand sa personne là li fin sorti de vida bargar li ji darbar li ja azoji ki mun kone allah wala so darbar so zanim ho si fini kone ki san la ki musulman ki san la ki bargar to ye huzur ki tawajjuh hai hazrat ki tawajjuh kapav ki ken kapav gaye waswasa ke logo be sa kuch sochi sa waqia kuch sochi pehla so brev subhanallah sa faiz نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو فیض سا غافل بھی ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسو دربار دا غزوہ خیبر سا بغیق دراز گوش سے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پھانلی مبابو غانت دا تھو دیتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دیمان سنو چی شان سنو سا بغیق لا چی جیا زامے مو پن لیس پیسن مونت لو موان پاس کی موان L'homme descendant là-haut, ascendant tout ban nabi qui t'y voyage. Et où d'ailleurs nabi? Et moi aussi, moi d'ailleurs dans mon nasal. Ya Rasulallah, moi envie, où voyage l'homme moi? Où monte l'homme moi? Tout ça là, tu converses. Et là, là qui sa bourrique, sa daras gauche, qui l'esprit l'y gagne? Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, assis dans le bar. Et il dit Ya'fur, Rasulallah fin son sonon, fin met Ya'fur. Ya Ya'fur, appelle Abdullah. Mais il y a plusieurs sahabas qui appellent Abdullah. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur tawajjuh. Rasulullah sur nazar. Quand il dit appelle Abdullah, sa bourrique li sochi li al direct kut sa sahabi Abdullah la même se ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chipe jayali sa. To ye usi darbar ka faiz hai.
वहां पर कहां नजर पड़ी तो याफूर का क्या आलम हुआ और यहां बिल्ली का क्या आलम हुआ। तवज्जो की नजर पड़ जाए तेरी घर मेरे आका करे बिल्ली भी मेहमानी मेरे मखदूमे सिमनानी करे बिल्ली भी मेहमानी मेरे मखदूमे सिमनानी बोलो करम मखदूमे सिमनानी करम मखदो में सिमनानी मरीजों गम के मारों की मुसीबत दूर करता है दूर करता है तेरा मुश्किल कुशा पानी मेरे मखदूमे सिमनानी तेरा मुश्किल कुशा पानी मेरे मखदूमे सिमनानी बोलो करम मखदूमे सिमनानी करम मखदूमे सिमनानी शगे ख्वाजा के सदके में खुदारा कर भी दीजे हल शगे ख्वाजा के सदके में खुदारा कर भी दीजे हल मुनव्वर की परेशानी मेरे मखदूमे सिमनानी हमारी भी परेशानी मेरे मखदूमे सिमनानी करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूमे सिमनानी तुम्हारी है जहाबानी मेरे मखदूमे सिमनानी बोले करम मखदूमे सिमनानी करम मखदूमे सिमनानी। नाज़रीन इस वक्त आप पुबलों की सैयदना अब्दुल्कादिर जिलानी मस्जिद में मुनक़िदा उर्स अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह के आखिरी मुकर्रर जैयद आलिम दीन मौलाना आदम सऊदिया दामद बरकातु मालिया ने ज़िक्रुल्लाह के हवाले से ये इल्मी बयान फरमाया। आयतला से वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह والذين آمنوا أشد حبا لله Et parmi Jimon, il y en a qui prend à part Allah Ta'ala. Les autres sont idoles. Et les autres contents de ces idoles-là, pareil comme les gens sont contents, Allah Ta'ala. Et les mouminines, c'est lui qui fin accepter Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam comme rasoul zut ashad hubban lillah zut bien faux dans zut l'amour pour Allah ta'ala quand les signes arrivaient c'est ban beaucoup ban idolâtre Tu peux exprimer l'amour pour l'idole,
कि एन मोमिन एन सेल्वी के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे ला पर्सन दे मखदूम अशरफ सिमनानी इन विन पामिजत अप्रेस सा ली फिन एक्सप्रिम सोलामो ए रोस फिन कोजे पाए कुमा रोस सी कोजे दान ला मे कुफार لفن لي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نلامو بو الله تعالى لي كونسين نو لي كيزا نو لي كيزا كما ده حديث شريف هنا ان بوت لافيان في جسد الانسان دان ليكو انسان مدغتون ان بوت لافيان اذا صلحت كان صح كوريكت صلح الجسد كله Quand il est correct, l'école entière, correct. Ou il a façadé, quand les filles viennent facile, viennent gâter, entier l'école là, gâté. Ala wahiyal qalb. Ça c'est l'équerre. Et ça l'équerre là. C'est qui est capable de garder ça dedans? Plateau aussi, après remettre là-dedans. Ça l'équerre. Et qu'un autre l'équerre. Ça s'appelle ça فوق العقل. Quand nous disons ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Oui, par ذكر الله سبحانه وتعالى nous l'équerre gai itminan. قلب. Nous gagnons tranquillité d'esprit. Nous gagnons peace of mind. Peace of mind. L'intelligence nous est là. Akal nous est là. Ce qui docteur capable de manier, ça nous est là. Même qui est docteur pas capable de manier. Ça mind. Faut qu'on l'akle. Et à cause qu'il nous refait travail. Qui part pour nous. Allah dans ce travail pour lui. Pour nous, il confie nous. Il met Faraz, Wajibat, tout ça là. Ça nous fait. Hein? Mais si nous commençons, pense pour faire ce qui pour lui là. Là même nous dérange. C'est même qui a un stress. Ce qui pour vous, fait ce qui pour vous. Et ce qui pour Allah dans là, ou quitte l'eau. Vous faites tawakkul. Aussitôt, vous faites tawakkul, vous gagnez. Peace of mind. Et à cause quand ou prend un caprice, ça l'y dérange, ou dérange ou mind. L'autre n'a pas l'y dérange, c'est n'a pas de faux. À cause ça, pour tous les deux, appelle calbe. Un calbe là qui n'a pas trouvé, ça, faut qu'elle acle. Et un là, c'est qui dans l'écho du monde là, ça, ça, calbe. Concernant Hijrat Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous calendrier qui nous vient gagner nous, calendrier Hijri, ça établi par Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Nous vient gagner nous calendrier Hijri, mais à l'époque, quand Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pas encore fait conquête Mecca, pas encore conquérir Mecca, il était wajib pour n'importe qui s'en là qui lit à ce kalima, il vient côté lui de Medina. Après ça, après Fatha, la hijrata ba'd al-Fatha.
पेना हिजरत आबगे फतह मक्का जिमुन का माध्यम क्लासे आजे सिजुत पा फोकोते दिन उत कबाल से भी बन मो की बन उपन सहाबाई कराम बन मुहाजिरीन सिद्धि बन सेलवी की विन फे हिजरत अवेक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन विन द मदीनतुल मुनव्वरा अब उसे ट्रेन जोत इसी pour conquérir Mecca. Bi ont zut. Tiens ban. Parole que tu peux c'est qu'il est. Un tel il fait hijra à cause tel quelque chose. Le plan fait hijra à cause tel quelque chose. Insane en la bouche. Ban l'a causé. Et Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et n'a pas enseigné. Qu'est-ce qu'il dit? Ce hadith-là rapporté par Amir al-Mu'minin, Khalifat al-Muslimin, deuxième Khalifa, Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Qu'il dit? Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in jenun n'a pas ziz person sunniyat. Sunniyat ou pas zizé? Quand il y a une parole en français, n'hésite pas ton procès quand tu ne seras pas zizé. Qui ça zizement là ça? Ou pas ziz niyat du monde, ça ou pas zizé? Allah Ta'ala connaît beaucoup de niyat. Alors Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in dit innama al-amalu bin niyat. Certainement, chaque action li dépend lo niyat. Wa inna li kulli imri'in ma nawa. Certainement, chaque jimoun pou gagne sa récompense d'après sa niyat. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله celui qui se hijrat li envers Allah et son rasoul فهجرته الى الله ورسوله so hijrat li envers Allah et son rasoul si nous nous rassemblons pour Allah et son rasoul nous nous rassemblons pour Allah et son rasoul li kon nous niyat mais si nous rassemblons pour une autre raison Allah Ta'ala comme ça aussi. Je lui dis une parole, mais il finit fini déjà pour tout niyat. Des concepts de niyat n'existent dans l'islam. Et Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in dunyu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yuksibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Celui qui se hijrat, il envers dunya. Pour lui, comment est sa dunya, kasaba? Pour lui, comment est dunya? Ou bien envers une madame pour lui faire, ni qu'avec sa madame-là, mais se hijrat, il envers quelque chose qui lui fait faire, hijrat. Sa Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il enseigne nous l'eau. Niyat, nous prépare nos niyat, nous dresse nos niyat, après ça, nous faisons une action. Cinq fois par jour, combien de fois nous faisons niyat pour faire salat? Combien de rakat salat nous faisons? Par jour, combien d'actions nous faisons? Tout ça, c'est une action là. Qui nous peut répondre au kayamat? Qui peut répondre au kayamat? Mais ça, c'est une niyat nous faisons là, ça aime, là-bas, on ne peut pas le formuler encore là-bas. Ici, c'est qu'il n'y a tout à faire, ça même vous pourrez répondre. Qui fait nous rassembler ici? À cause d'Allah et de son Rasoul. Tout barakat ban aulia et karam, tout ban karamat qui se montre, karamat qui zahir, va montrer les zahir, c'est un barakat de Muhammad Rasoulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.
Qui vient nous dire ça? Et quand on quitte, oui. Qui vient nous dire ça? Quand nous dalil, hadith, Mishkat Sharif. Qui kitab? Kitab al-Mu'jizat. L'abdal yamin karamat. Qui s'en a sur karamat? Amir al-Mu'minin. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu sur madame sur karamat. Après yamin l'autre karamat encore. Qui dépêche son invincote Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous trouvez un asa? Quelle est-ce petit de Ousseï? Et bien, ce petit asa, c'est une vini. Fin rester faute avec Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ce companionship. Après ça, ce petit n'a pour retourner la case. Mais la lumière, tous, ce que vous gagnez. Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il prend son Hanza Mubarak. Il veut dire son Asa, son Hanza Mubarak. L'in tous avec en la, son Asa, Tipti Asa. L'in gai Nour. Après, il dit, Zot allez avec sa Nour là, il vous guide Zot. Après, quand Zot est là pour séparer, l'in la sa Asa là, l'in tous les avec sa l'autre Asa là, après, chacun pense aux semaines, je t'aille, je la casse. Abessa, premier là, mon Dieu, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais de la croisée là, ça aussi, barakat, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La bakramat, mais seulement, li barakat Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout ban karamat qui nous racontait, c'est barakat Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Illa tansuruhu. Eh ben, musulman, zut. Aïe, t'la longue, il se dit, prends des pieds devant divan, il peut venir trop long. Là, on peut commencer un ayat. Si vous m'avez tous été l'école, la personne n'a pas travaillé. Faqad nasarahullah. Allah Ta'ala infini yed Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Idh akhrajahu alladhina kafaru. Quand ban kuffarin tiali debida Makkatul Mukarrama. Thani ithnain, deuxième de deux. Idh huma fil ghar. Quand tous les dedans, ghar i thor. Li avec Hazrat Abu Siddiq radiallahu ta'ala anhu. إذ يقول لصاحبه قال إن جيس صاحب سو كمغاد حضرت أكبر صديق رضي الله تعالى عنه لا تحزن نبا بزيت شكرين إن الله معنا الله سبحانه وتعالى avec nous كما لين جيسا كين عربي فأنزل الله ألو الله سبحانه وتعالى إن في الدسان لو زد أنزل الله سكينته سو سكينة سو لابي عليه لولي لو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأيده إلين إدلي بجنود لم تروها avec un homme qui n'est pas pour trouver ben فرشتا ou pas pour trouver. Salam et Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pas trouvé. Allô, Allah subhanahu wa ta'ala verse tranquillité. Le nom quand nous verrons Zikrullah. Nous enseignons nos bons enfants. Rentrez dans Zikr. Continuez vers Zikr. Qui vient pour faire zikr? Pour gagner falah. Parce que c'est nous tous seuls qui fait zikr. Nous tous seuls faisons zikr. Les autres sont zikr ou pas comprendre. Allah t'a l'artière ou l'attention. Nous avons un grand monde causé. Nous avons ça qui veut causer. Mais le Coran Sharif il dit, ou baisse la tête. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Qui lui dit à nous? Qui lui dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam?
Kili jaman mu'minin. Alam tara, ou n'a pas trouvé, anna Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tout ban celui qui est dans l'asman et dans la terre. Après qui c'est là? Wat tayru safatin. Et ban oiseau. Oui, tout ban makhlouk. Kullun saken. Kad alima. Je te connais. Salatahu wa tasbihahu. Je te connais cette salat et je te connais cette tasbih. Où connaît-vous? Où qu'il n'y a la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Où qu'il y a ashraful makhloukat? Où connaît-vous? Où pose la question? Si pas où connaît, où salat et où tasbih? Ben la connaît. Allah ta'ala veut dire, je te désaconnais. Je te salat et je te tasbih. Après ça? Allah ta'ala connaît. Wallahu alimum. Allah subhanahu wa ta'ala bien au courant. Bima yaf'aloun. Qui s'en là? Qui côté peut faire tasbih? Muhammad. Allah ta'ala li connaît. Allo attire tranquillité. Attire peace of mind. David ou l'esprit par. Zikrullah. Qui fait? Qui vient nous faire zikr? Grand-mère, tantôt, tendez. Hayya al-falah. Qui ça falah là, ça? Ou Dieu m'a allé, namaz, mais résultat, pour vous dire, pas bon résultat là. Mais pas ça falah là qui peut causer. Ou tout camarade, ça ne l'a pas fait provoquer beaucoup, une grande, autant d'affaires de l'union. Moi, je peux faire 5 fois namaz. Qui falah qui Allah Ta'ala avait causé ici? Quand tu nais, tu dis rien à l'al falah. De tous les deux oreilles, tu dis. Et à ce jour, tu peux t'en dire, quand ma tête en tout, tu peux t'en dire. Combien de masjid peut arranger, peut mettre un au parler, l'autre au parler. Et ben, gadget qui peut sortir, ben, venir, mais il y a le fala, il y a le fala. Vous connaissez qui ça fala là, ça? Si pas la lumière allait à ce terre là. Si la lumière allait, qui nous dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. N'importe qui problème ou gagne? N'importe qui musibat ou gagne? Wadhkurullaha zikran kathiran. Fait zikr Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup, beaucoup, beaucoup de zikr. Qui veut la allakum tuflihoun pour qu'ils aient gagné falah. Abi falah, c'est qui nous allait, le la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nazrin, Sirat al-Mustaqim Society ki janib se, Pont-Blanc ki Sayyidina Abdul Qadir Jinani Masjid mein, Munaqida Salana Sayyid Ashraf Jahangir Sinani Rahmatullah alayhi ka urs mubarak, salatu salam aur dua se ikhtitam ko pahuncha. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا آپ کی توجہ کے لیے شکریہ اگلی ملاقات تک نور کو اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك
ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka din ka bol wala sunniyon ka rukh ujala dushmanon ka muh kala salawatullah alayka ya habibi ya rasulallah ya nabi salamu alayka ya rasul salamu alayka ya habib salamu alayka salawatullah alayka wasita wasul waraka Hazrat Ahmad Raza ka aur mere murshid piya ka rukh badal do har bala ka puri ya rab ye dua kar hum dare aqa pe ja kar pehle kuch aansoo baha kar phir pade sar ko jhuka kar ya habibi ya rasulullah ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka min as-salatu was-salamu alayka ya rasulullah وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب حساب الميزان اللهم ارزقنا زيارة حبيبك الكريم وزيارة حرمك وحرم حبيبك الكريم مرارا بلطفك الكريم يا رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وارزقنا شفاعة رسولك الكريم يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وإيماننا اللهم بارك لنا في أولادنا وأموالنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في أمورنا وعمالنا ودراستنا وتجارتنا وزراعتنا وجماعتنا ومشاعرنا ومحماتنا بلطفك الكريم يا رب العالمين اللهم يا إلهي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى تحر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومدنا للكتاب والسنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أوصل ثواب ما كرعناه من القرآن وما تلوناه من القرآن وما عملناه من الخير إلى رواه جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما إلى روح نبينا وشفينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع أصحابه بالخصوص وبالخصوص إلى روح أمير المؤمنين وخليفة المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه الكريم ثم إلى روحين المكرمين لابنيه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ثم إلى روح أمهما سيدة النساء في الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها
ثم إلى أرواح جميع أولياء ملته وعلماء أمته، لا سيما إلى روح القطب رباني محبوب سبحاني شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح مخدوم أشرف السمناني رحمة الله تعالى عليه، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 الله